तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, थोड़ा हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी तक जो किए वो बिल्कुल आसान से थे, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था। ये थोड़ा ठीक सा दिख रहा, कुछ सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये होमोजीनियस है कि नहीं। तो यहाँ देखो डिग्री टू है, डिग्री टू है, डिग्री टू है, और ये भी 1+1 टू, यानी कि होमोजीनियस है। ये देख लिया मैंने, बस केवल प्रूफ करना रह गया है। तो प्रूफ करने में भी थोड़ा पहले से अच्छा लगेगा करने में। dy/dx इक्वल टू, इसको हमें करना पड़ेगा x² से डिवाइड, यानी कि x² मैंने कहा कुछ अलग करना पड़ेगा इसमें, अभी तक ये सब नहीं किया आपने। तो अपॉन x² डिवाइड करते हैं इस टर्म को x² से। तो dy/dx इक्वल टू x² / x² - 2y² / x² और प्लस एक्स वाई अपॉन भी तो होगा x². तो इसे हम अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये dy/dx इक्वल टू, ये हम ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसे हम दे देते हैं fx कहते हैं, ये हमारा fx। अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पर fxy, सॉरी। तो ये हम एफ λx और λy इक्वल टू एक्स की जगह λx का स्क्वायर माइनस टू λy का स्क्वायर प्लस λx λy अपॉन λx का होल स्क्वायर। इसे आप करोगे λ² x² माइनस 2λ² y² प्लस λ² x y अपॉन λ² x² इक्वल टू, कॉमन आ जाएगा λ² तो यहाँ से आएगा x² - 2y² प्लस xy, और ये आ गया आपका λ² और यहाँ है x², ये हो जाएगा λ^0 और x² - 2y² + xy/x² इक्वल टू, हमने ये लिया है fxy। यही हमें लाना होता है कि f(λx, λy) इक्वल टू ये। तो हम यहाँ लिख देते हैं हैंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जब आपको पेपर में ये क्वेश्चन आएगा ना, तो एक्सरसाइज होगी ना, होमोजीनियस का आ जाएगा, तो आपको देखना होगा, प्रूव करना होगा। बिना प्रूव किए क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, ये देख लेना कि ये होमोजीनियस है या नहीं। अब ये प्रूव हो गया तो हम सॉल्व करने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बस यहाँ से ले लेते हैं, और चाहे पूछा जाए प्रूफ करने को या नहीं, आपको प्रूफ जरूर कर। अगर आपसे पूछा गया तो समझ लेना कि आपको थोड़ा हिंट दे दी गई कि आपको ये 9.5 की तरह करना है। जैसे ही 9.5 दिमाग में आएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा कुछ। तो हम पुट करते हैं y = bx, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा v(1+xdv/dx)। ये सब में करते हैं, यही करना पड़ता है। तो यहाँ हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे हम देखते हैं, हमारा था ये dy/dx, तो इसके लिए हम पुट करते हैं bxy की जगह। तो dy/dx इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा x² - 2vx² + xvx/x². तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा x²
माइनस टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा कि नहीं आपको? वी एक्स स्क्वायर तो मुझे भी कहीं नहीं दिख रहा। ये था आपका, क्यों वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर किया और यहाँ पर आपने किया वी एक्स, ठीक की हो। तो अब हम यहाँ ले लेते हैं अपोन एक्स स्क्वायर, तो कॉमन ले लें कुछ, डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो वन माइनस टू वी स्क्वायर प्लस वी अपोन एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका डी वाई अपोन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस टू वी स्क्वायर, चाहे जैसे लिख लो, माइनस टू वी स्क्वायर प्लस वन, या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखते हैं ये हो गई, इसे दे दिया हमने इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन, मैंने कहा था ये क्वेश्चन थोड़ा उससे ठीक है जो अब तक किए हैं, इक्वेशन वन एंड टू, तो वन और टू से देखते डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ ये है, डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ ये है, तो वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल हो जाएगा, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू होगा बी माइनस टू वी स्क्वायर वी माइनस टू वी स्क्वायर प्लस वन। वी को हम लेफ्ट में ले जाते हैं तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ से मिलेगा वी माइनस टू वी स्क्वायर प्लस वन माइनस वी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स होगा वन माइनस टू वी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी, अब देखो सेपरेट कर लेते हैं यहाँ, अब हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, तो डी वी अपॉन वन माइनस टू वी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स। तो अब आपको इंटीग्रेट करना है इसे, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया, डी वी अपॉन वन माइनस टू वी स्क्वायर, इससे हम लिख सकते ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर कर लें कुछ टू कॉमन अगर ले लेते हैं, ये हमने यहाँ टू कॉमन ले लिया, डी वी अपॉन टू कॉमन ले लें तो ये तो हो जाएगा वन अपॉन टू और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इस तरह से इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो वन अपॉन टू को बाहर ले लेंगे और ये आपका हो जाएगा वन डी वी अपॉन रू, सॉरी डी वी अपॉन वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको ले सकते थे अभी इंटीग्रेट करके लेकिन नहीं लिया, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं तो हमें एक फॉर्मूला दिखाई देता है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा मैं रेज कर लें तो आसानी आ यही लिख दे, सिंस हमें फॉर्मूला याद आ रहा है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था वन अपॉन टू ए लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और प्लस सी, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ हम लगा सकते हैं ये फॉर्मूला वन अपॉन टू, वन अपॉन टू ये वन अपॉन टू ए, तो टू ए की जगह है वन अपॉन रूट टू, तो वन अपॉन टू ए की जगह है वन अपॉन रूट टू लॉग ए प्लस एक्स, यानी कि वन अपॉन रूट टू प्लस एक्स ए माइनस एक्स, यानी कि वन अपॉन रूट टू माइनस एक्स प्लस सी, ये क्या अभी सी
हाँ प्लस सी बाद में कर देना, या ये चलो उधर लगा देंगे ये माइनस सी, ये फॉर्मूला हो गया आपका। और आगे है इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स। अब लगा देते हैं कॉन्स्टेंट सी, लॉग एक्स, और यहाँ पर हमने कर दिया सी। तो लेते हैं इसे रूट टू से, ये कैंसिल हो जाएगा रूट टू टाइम। तो अब चूंकि सी में मल्टीप्लिकेशन होना है तो ब्रैकेट भी क्लोज किए देते, तो ये आ जाएगा रूट टू से रूट टू टाइम कैंसिल। तो वन अपॉन टू रूट टू लॉग, अब आपको केवल एलसीएम लेके समझना है, रूट टू अगर हम एलसीएम ले लें तो वन प्लस रूट टू एक्स हो जाएगा, ये एक्स आ गया, ये क्या आ गया एक्स, नहीं सॉरी हमने ये क्या पुट कर दिया यहाँ पर, फॉर्मूले को पुट कर दिया जैसा था वो, मुझे बी में लाना था ये बी अभी पुट करना है और बाद में लेनी है ये वैल्यू। ये तो फॉर्मूला था हमने एक्स वाला फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर एक्स की जगह बी है। तो वन अपॉन रूट टू प्लस बी, वन अपॉन रूट टू माइनस बी, तो ये रूट टू एलसीएम लिया तो ये वन प्लस रूट टू बी हो गया, और ये वन माइनस रूट टू वी हो गया, और अपॉन रूट टू, ये रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएंगे, तो आ गया आपका लॉग मोड एक्स प्लस सी। अब आपको बी की वैल्यू अभी पुट करनी पड़ेगी, तो इक्वल ये हो गया वन अपॉन टू रूट टू लॉग वन प्लस रूट टू वी और अपॉन वन माइनस रूट टू वी इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी। वी की वैल्यू पुट कर दे, वी इक्वल टू है बाई अपॉन एक्स, यहाँ लिख देते हैं, और वी इक्वल टू बाई अपॉन एक्स यहाँ पुट करना पड़ता है हमें, तो बाई अपॉन एक्स यानी कि वन अपॉन टू रूट टू एज इट इज लॉग वी एज इट इज वन प्लस रूट टू वी की जगह हम पुट करेंगे बाई अपॉन एक्स, तो बाई अपॉन एक्स अपॉन वन माइनस रूट टू बाई अपॉन एक्स इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी। थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा, तो वन अपॉन टू रूट टू लॉग, यहाँ पे हमने एलसीएम एक्स ले लिया तो ये आ गया एक्स प्लस रूट टू बाई, यहाँ पे एलसीएम हमने एक्स ले लिया तो ये आ गया एक्स माइनस रूट टू बाई, ये कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी। और अब आप बस थोड़ी दूर और हो अपने आंसर से, तो वन अपॉन रूट टू लॉग मोड एक्स प्लस रूट टू बाई अपॉन एक्स माइनस रूट टू बाई और इक्वल टू लॉग मोड एक्स प्लस सी। अब आप चेक करोगे अपनी बुक में तो शायद यही होगा, और इससे अच्छा हो नहीं सकता, तो देख लेना यही होगा। आप कोशिश किया करो कि थोड़ा आगे बढ़ के अरेंजमेंट करना होता है, थोड़ी स्टेप बढ़ जाती है, अदरवाइज़ तो आपका यहीं जहाँ आप बाई वी की जगह बोली वैल्यू पुट करते हो तो आपका सॉल्यूशन आ चुका होता है। थैंक यू, नोटेड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे दिमाग में हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा, तो इसमें भी हम चेक करते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेट तो हो ही नहीं पाएंगे इसके, और होमोजीनियस है कि नहीं ये हमें देखना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ देखो, वन वन इनका भी रूट निकालेंगे तो डिग्री वन आ रही है, इनकी होमोजीनियस है, लेकिन अभी ठीक से नहीं दिख रहा तो हमें चेक करना होगा इसे। तो चेक करने के लिए पहले डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करें हम, तो एक्स डी वाई इक्वल टू ऐसे करते हैं, वाई डी एक्स को राइट में भेजा प्लस ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये डी एक्स।
तो अब क्या करते हैं, डी एक्स को लाते हैं इधर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, एक्स को भेजेंगे राइट में, ये क्या किया मैंने, हाँ सॉरी थोड़ा जल्दी कर दे, हम ऐसा करते हैं यहीं पे हम डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कर दिया हमने। अब डी एक्स इधर आ गया तो हमारा इधर बचेगा वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स को हमें राइट में भेजना है, तो ये इस तरह से हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं एफ एक्स वाई। अब हमें चेक करना होगा एफ लेमडा एक्स और लेमडा वाई के लिए, तो जब इसे हम चेक करेंगे तो वाई की जगह लेमडा वाई प्लस रूट, ये हम करेंगे लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर और लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर हम लेंगे लेमडा एक्स, तो इक्वल टू हो जाएगा लेमडा वाई प्लस, यहाँ से लेमडा स्क्वायर रूट लेंगे तो लेमडा आएगा बाहर, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये अपॉन लेमडा, और ये एक्स लेमडा कॉमन आ जाएगा, यहाँ से लेमडा आ गया कॉमन, तो यहाँ बचा वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन लेमडा एक्स, लेमडा के ऊपर पावर माइनस होगी तो ये आ जाएगा लेमडा टू पावर जीरो, वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ये हमारा एफ एक्स वाई, तो ये हो गया एफ एक्स वाई। यही हमें प्रूव करना होता है एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू, तो ये प्रूव हो चुका है। हेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपने प्रूव कर दिया। अब आप प्रोसेस आगे प्रोसीड करोगे सॉल्यूशन के लिए, तो इक्वेशन हमें छोड़नी होगी यहाँ पर, इतना हम कर लेते हैं रेज, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो गया। अब पुट करते हैं वाई इक्वल टू बी एक्स, तो डिफरेंशिएट जब करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हमारा आ जाता है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये कर चुके हो कई बार मालूम है ठीक से, यही होता है। इक्वेशन नंबर वन दे दें, अब इसमें वाई की जगह बी एक्स पुट कर दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई की जगह बी एक्स पुट करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरह से। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से तो एक्स आएगा रूट के बाहर वी एक्स प्लस एक्स, और अंदर हमारा क्या बचेगा वन प्लस वी स्क्वायर, चीज़ें कुछ ठीक सी आती हुई दिखती हैं। तो डी वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, एक्स कॉमन ले लें तो वी प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आ गया वी वन प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर टू, तो लिख लेते हैं यहाँ फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन और टू से जब हम देखेंगे तो वी ये हमारा वन है वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर, तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वी माइनस वी प्लस रूट वन प्लस वी स्क्वायर
अब देखो वेरिएबल सेपरेट कर लोगे, वन प्लस बी एस बी स्क्वायर को लाओगे लेफ्ट में, तो डी बी अपॉन ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें, यहाँ डी वी अपॉन रूट वन प्लस बी स्क्वायर डी वी अपॉन रूट वन प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होगा डी एक्स अपॉन एक्स। अब ले आपको करना इंटीग्रेशन, तो यहाँ भी लगा दिया हमने, ये आ गया वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हमने फॉर्मूला ये आपके लिए लिखा था इधर, तो स्टूडेंट यहाँ हमें फॉर्मूला ध्यान आता है, ये फॉर्मूला आपका डी एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसे हम लिखते थे लॉग मोड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट होता था। तो इसे हम लिख सकते हैं लॉग वी प्लस रूट वी स्क्वायर प्लस और ए स्क्वायर करना है तो वन हो गया, इक्वल टू लॉग मोड एक्स, और आप देख लेना जो लगता हो वैसे, चलो लॉग मोड सी, लॉग सी लिख देते हैं इसे। तो लॉग वी की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, लॉग वी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, या पहले लॉग को समझ लो आप अगर करना चाहते हो, तो लॉग वी प्लस मोड सॉरी वी रूट वी स्क्वायर प्लस वन मोड इक्वल टू ये लॉग एम प्लस लॉग एन, इसे आप लिख सकते हो लॉग सी एक्स, और अब चाहो तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, कैसे भी समझ लो एंटी लॉग या और कुछ। अब वी की वैल्यू पुट, लॉग भी हट जाएगा और वी की वैल्यू पुट करेंगे, वी इक्वल टू बाई अपॉन एक्स है, तो बाई अपॉन एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू सी एक्स। तो आपको करना है यहाँ पर बाई अपॉन एक्स, थोड़ा सा और आंसर लेने के लिए बुक का करना पड़ेगा, इक्वल टू एल सॉरी प्लस एल सी एम आ गया एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आया बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, थोड़ा सा दो कदम और आगे बढ़ोगे तो बाई अपॉन एक्स प्लस रूट, इसे लिखते थे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट बाहर लेंगे तो ये एक्स आ गया इक्वल टू सी एक्स। अब अगर हम वन अपॉन एक्स कॉमन ले लें यहाँ से, तो इसे हम लिख सकते हैं वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये रहा सी एक्स। अब केवल एक स्टेप और बढ़ाना, इस एक्स को भेज दें राइट साइड में, तो वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कोई ठीक सा आंसर हो सकता है, तो आप नोट कर सकते हैं इसे।